क्या आप जानते हैं कि इमरान खान के सगे खालू जनरल वाजिद अली बरकी ने किस सदर को बेडरूम से घसीट कर और उसे लातों मुक्कों से मार मार के उससे गन पॉइंट पर इस्तीफा लिया था? कप्तान पर जाती हमले करते हुए किसने ये घटिया इल्ज़ाम लगाया था कि इकरामुल्ला खान नियाजी सिर्फ कागज़ों में इमरान खान के वालिद थे, जबकि उनके असली बाप जनरल वाजिद अली बरकी थे? जनरल वाजिद अली खान बरकी किसे उल्लू का पट्टा कहा करते थे? इस्लामाबाद शहर बसाने वाले जनरल बरकी पर करप्शन के इल्ज़ाम क्यों लगते रहे? और हाँ, क्या ये सच है कि इमरान खान को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल करवाने वाले जनरल बरकी ही थे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में सदर अयूब खान के फ्रंटमैन और पाकिस्तान के कायम मुकाम सदर रहने वाले जनरल वाजिद अली बरकी के बारे में 25 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं किंजा फरमान। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह करें। सो लेट्स बिगिन। नंबर एक, जनरल वाजिद अली बरकी के वालिद इमरान खान के नाना अहमद हसन बरकी के करीबी रिश्तेदार थे और ये सब लोग जलंधर में रहते थे। इमरान खान के नाना जलंधर के मोहल्ले बस्ती दानिशमंदा की पीली कोठी में मुकीम थे, जबकि साथ वाले मोहल्ले बस्ती बाबा खैल में वाजिद अली बरकी रहते थे। आज़ादी के बाद हिजरत करके सब लोग लाहौर में धर्मपुरा के नज़दीक आकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने जमान पार्क के नाम से नई कॉलोनी बनाई, जहाँ आज इमरान खान का भी घर है। नंबर दो, जनरल वाजिद अली खान बरकी के दो हमजुल्फ इकरामुल्ला खान नियाजी और जहांगीर खान बरकी थे। इकराम नियाजी की शादी शौकत खानम से हुई, जबकि शौकत खानम की बहन मुबारक खानम मशहूर क्रिकेटर जहांगीर खान की बीवी बनी। ये वही जहांगीर खान थे जिनकी बॉलिंग के दौरान तेज़ रफ्तार गेंद के लगने से चिड़िया की हलाकत हो गई थी। वाज़े रहे कि इस चिड़िया को हनूस करके लॉर्ड्स ग्राउंड के लॉन्ग रूम में महफूज कर लिया गया और साथ में वो गेंद भी वहीं रखी गई है। नंबर तीन, वाजिद अली खान बरकी और इमरान खान की खाला इकबाल बानो की शादी 1935 में हुई। वाजिद अली बरकी के ससुर अहमद हसन खान जाने पहचाने सिविल सर्वेंट थे। नंबर चार, कप्तान मुखालफीन की जानिब से ये इल्ज़ाम आज भी लगाया जाता है कि 19 साल इमरान खान को उनके खालू जनरल बरकी की सिफारिश पर क्रिकेट टीम में भर्ती किया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इमरान खान फेल हो गए थे, यही वजह थी कि उन्हें दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया गया था। कप्तान के नाकदीन के मुताबिक जमान पार्क के बरकी ख़ानदान ने हमेशा नाजायज़ फ़ायदे उठाए हैं। इमरान खान की सिलेक्शन ही गलत थी, किसी दूसरे खिलाड़ी का हक मार कर क्रिकेट बोर्ड ने उसके लिए इंग्लैंड तक मुफ्त सफ़र का बंदोबस्त किया। नंबर पाँच, पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के मुर्तकिब ब्लॉगर वकास गुराया ने अपने ट्विटर अकाउंट से इमरान खान के खालाजाद जावेद बरकी की फ़ोटो शेयर की। उस फोटो के साथ उसने कभी हरकत करते हुए ये तक लिखा कि ये लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी का बेटा और इमरान खान का भाई जावेद बरकी है। इसकी और इमरान खान की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि दोनों का असल अब्बा जनरल वाजिद अली बरकी है। इकरामुल्ला खान नियाजी का नाम तो सिर्फ कागज़ों में है। नंबर छः, जनरल वाजिद अली बरकी के इकलौते ब्रदर नस्बती का नाम अहमद रज़ा बरकी था। इमरान खान के मामूल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद रज़ा बरकी सदर यहिया खान के दौर में मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर भी रहे। याद रहे कि जनरल अहमद रज़ा को आगा जान के नाम से पुकारा जाता था। नंबर सात, ये जनरल वाजिद अली बरकी ही थे जिनके मरहून मिन्नत फील्ड मार्शल अयूब खान पावर में आए। हुआ कुछ यूं था कि 27 अक्टूबर 1958 की एक तारीख शब सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा कराची के ईवान सदर में सोए हुए थे कि जनरल आज़म खान, जनरल के एम शेख और जनरल वाजिद अली बरकी बग़ैर किसी रोक टोक के उनके बेडरूम में दाखिल हुए। सोए हुए सिकंदर मिर्ज़ा को उनकी ख्वाबगाह से घसीट कर सहन में लाया गया। लातों, मुक्कों और घूसों से
सदर की खूब पिटाई की गई और फिर जनरल बरकी ने पहले से टाइपशुदा इस्तीफे पर सिकंदर मिर्ज़ा से साइन ले लिए, जिसके बाद अयूब खान ने इक्तदार संभाल लिया। नंबर 8, पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा को जब जलील करके इक्तदार से निकाला जा रहा था और अयूब खान के ऑर्डर्स पर सिकंदर मिर्ज़ा को उनकी अहलिया के साथ मुल्क बदर किया जा रहा था, तो ऐसे में हर तरफ खामोशी थी। उस मौका पर बेगम नाहिद मिर्ज़ा जनरल वाजिद अली बरकी से कुछ यूं मुखातिब हुई, जनरल हम ईवान सदर से चले तो जाएंगे, लेकिन हमारी बिल्लियों का क्या होगा। नंबर 9, अयूब खान मार्शल लॉ लगाते हुए जमहूरियत की बसात लपेट कर खुद सदर पाकिस्तान बन बैठे, तो उन्होंने जनरल बरकी को अपनी कैबिनेट में शामिल करते हुए वफाकी वजीर सेहत बनाया। नंबर 10, फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान के काबिल एतमाद साथी और फ्रंट मैन जनरल वाजिद अली बरकी 1958 से 1963 तक पाकिस्तान की दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत थे। नंबर 11, जनरल वाजिद अली बरकी पाकिस्तान में कितने पावरफुल थे, आप इसका अंदाज़ा यूँ लगा लें कि सदर अयूब जब भी गैर मुल्की दौरों पर जाते तो उस वक्त जनरल बरकी ही कायम मुकाम सदर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देते। नंबर 12, जनरल बरकी का शुमार कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के बानियान में होता है। जब पाकिस्तान का दारुलहुकूमत कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो जनरल वाजिद अली बरकी अयूब खान और नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान की फैमिलीज़ ने एक ही सेक्टर में घर लिए। इमरान खान अपने बचपन में अपनी खाला के घर इस्लामाबाद में छुट्टियां गुजारने जाया करते थे। नंबर 13, डब्ल्यू ए बरकी के नाम से पहचाने जाने वाले जनरल बरकी की वजारत के दिनों में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए जो आज भी एक मिसाल है। फौजी छावनियों में कम्बाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल का क़याम उनका क्रेडिट है। नंबर 14, जनरल वाजिद अली बरकी को उनके कॉलीग्स अलाटमेंट के नाम से भी पुकारा करते थे, क्योंकि उन पर अयूब खान के दौर में बहुत ज़्यादा अलाटमेंट के इल्ज़ामात थे। नंबर 15, जनरल वाजिद अली बरकी के हवाले से ऐसा कहा जाता रहा है कि उन्होंने करप्शन के पैसों से मरी की पहाड़ियों पर सेबों के बागात लगवाए थे। नंबर 16, जनरल बरकी पर नेपोटिज़म यानी अकरबा परवरी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि उन्होंने 1962 में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सिलेक्टर्स पर जोर डाला और अपने 24 साल बेटे जावेद बरकी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनवा दिया। जावेद बरकी की कैप्टनसी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड गई, जहां पाकिस्तान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 4-0 से बुरी तरह हार गया था, और ये जावेद बरकी ही थे जिनका शुमार पाकिस्तानी क्रिकेट हिस्ट्री के नाकाम तरीन कप्तानों में होता है। नंबर 17, जनरल वाजिद अली खान बरकी 1962 से 64 के दौरान डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में पाकिस्तानी सफ़ीर भी रहे। नंबर 18, पाकिस्तानी तारीख के पावरफुल जर्नल वाजिद अली खान बरकी का एक वाकया मैं आपको सुनाती चलूं कि एक मरतबा मारूफ मजाह निगार कर्नल शफीकुर रहमान उनसे मिलने CMH पिंडी आए। जनरल बरकी ने उन्हें ऑफ़र करवाई कि मैं आपको यहाँ बतौर CO तायुनात करना चाहता हूँ। कर्नल शफीकुर रहमान बड़ी मासूमियत से बोले, सर मुझ ना चीज़ में इतनी सलाहियतें कहाँ हैं कि मैं ये जिम्मेदारियाँ अदा कर सकूँ, आप किसी काबिल बंदे का इंतखाब कर लें। फिर क्या था, जनरल बरकी कर्नल शफीकुर रहमान का बाजू पकड़ के उसे CO के ऑफिस ले गए और इशारा करके बोले, यहाँ एक से एक नालायक और उल्लू का पट्टा भरा पड़ा है, तुम किसी से कम हो क्या। नंबर 19, दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले अमरीकी सर्जन डॉक्टर नौशेरवान बरकी जनरल बरकी के साहबजादे हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल के रूह रवां डॉक्टर नौशेरवान इमरान खान के खालाजाद हैं। शौकत खानम के क़याम में जहां इमरान खान की काविशें शामिल हैं, तो वहीं डॉक्टर नौशेरवान खान बरकी को भी पाकिस्तान के सबसे पहले कैंसर हॉस्पिटल का क्रेडिट जाता है। नंबर 20, वाजिद अली बरकी दूसरी जंग अजीम के वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल थे और उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए सर्विसज़ दी।
उनकी जंगी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें ताज बरतानिया ने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के तमगे से नवाजा। नंबर 21, वाजिद अली खान बरकी क़याम पाकिस्तान से कबल जलंधर के अलावा क्वेटा, हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट और कराची के कैंटोनमेंट एरियाज़ में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे, जबकि वो मेरठ कैंट में बतौर फौजी आइस स्पेशलिस्ट अपनी खदमात देते रहे। नंबर 22, क़याम पाकिस्तान के वक्त जनरल बरकी का शुमार इंतहाई ज़हीन और बासलाहियत आइस स्पेशलिस्ट आर्मी डॉक्टर्स में होता था। आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने तो उन्हें आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया। साल 1953 में वो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के डीजी बना दिए गए। नंबर 23, जनरल वाजिद अली बरकी तवील अरसे की मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद रावलपिंडी में रहने लगे। 28 अक्टूबर 1900 के रोज़ जलंधर में पैदा होने वाले वाजिद अली बरकी 17 जनवरी 1989 के रोज़ 89 वर्ष की उम्र में चल बसे और वो फौजी कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। नंबर 24, इमरान खान की दो याददाश्तें, ऑलराउंड व्यू 1991 और पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री 2011 में प्रिंट हुई, लेकिन हमारे कप्तान ने अपनी इन दोनों किताबों में अपने खालू जनरल वाजिद अली बरकी का जिक्र तक नहीं किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी के दिलचस्प हकायक जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। इकरामुल्ला खान नियाज़ी की कहानी के लिए यहाँ नीचे और इमरान खान की वालिदा शौकत खानम की बायोग्राफी आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।